सो गाइस, मैं आगे बारिश की वेट कर रही हूँ। बारिश तो आई नहीं, धूप इतनी आ गई है, मुझे लोग अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। देखो मैं हट के नीचे, एंजॉय करना कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चलो फिलहाल काम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? होपफुली से बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। और अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ जाने के लिए कैफ़े। और मैं ये व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ना, मैं सुबह से कैफ़े ढूंढ रही थी अपने लिए, किस कैफ़े में जाऊँ, एक ऐसी जगह जहाँ शांति से आराम से बैठ सकूँ, मॉल वगैरह नहीं, और कुछ ब्यूटीफुल एम्बियंस हो ताकि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। गाइस चल पड़े हैं हम, और मैं स्टैंड लाना फिर भूल गई मोबाइल का। एनीवेज कैफ़े बहुत खूबसूरत है, आई होप मैं अच्छे वीडियोस दूँगी। और आज मैं कोई ज़्यादा जल्दी में भी नहीं हूँ कि मुझे भाग भाग कर मतलब चीज़ें करनी है, आराम से धीरे धीरे शांत। तो देखने पिक्चर्स में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है कैफ़े, अब आगे पता नहीं भाई, जाके पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। ये कैफे वाले ने कैब वाले ने मुझे इतनी दूर छोड़ा, इतनी दूर, वो तो मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ने वाला था। सीरियसली यार, तभी शायद जब मैं शुरू में 5-6 महीने पहले ना, मुझे लोग कह रहे थे कि ना इंडिया में बिजनेस सिर्फ उनकी मेंटालिटी की वजह से नहीं हो सकता। और थोड़े दिन पहले सुना था मैंने, लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे अच्छे बिजनेसेस बंद हुए हैं ना, जब वो सब शिफ्ट हो गए हैं बाहर। यार बाहर भी कोई इतना अच्छा बिहेवियर है नहीं ना, ह्यूमन नेचर ही बकवास हो चुकी है। अच्छा हम कलयुग में रह रहे हैं, सॉरी एक्सक्यूज़ है हमारे पास। एनीवेज कैफ़े बहुत खूबसूरत लग रहा है, कौन यूज़ करेगा इन चीज़ों को जब ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे तो। चलो भगवान जी ने मुझे तो इस लायक समझा। बहुत प्यारा एम्बियंस लग रहा है, शांत जैसा मैं चाह रही थी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, वाओ। इट्स ए क्रेप्स कैफे। इंग्लिश बोलते हुए डर लगता है, इतना जज करते हैं ना लोग। इट्स ओनली आउटडोर ना, सो लेट मी ग्रैब अ सीट विथ चार्जिंग पॉइंट। दिस इज रियली ब्यूटिफुल, पूरा ना नेचर है। मैं बैठ के भी वीडियो लेती हूँ क्योंकि चलते हुए बहुत हिलती है ना वीडियो। I don't know, inside नहीं है, he said outside ही है। So yeah,
बहुत शांत है जगह. आई वॉज रियली लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस. वो मुझे पता नहीं था इस कैफे के बारे में पहले. लेट मी सी योर मेन्यू सूट्स. तो स्टारबक्स के बाद कुछ बातें भी करनी है आज मुझे आप लोगों से. और कुछ मेरा पेपर वर्क है आज, ज़्यादा पेपर वर्क ही है वैसे. चलिए करते हैं थोड़ी देर में बातें बातें. अभी थोड़ा सा स्टार्ट करें काम. सो गाइज, अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैंने इन लोगों के ये निकाल कर मैंने स्टैंड बना लिया है. तो वो भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत काम करा किया जाए तो उसका वीडियो भी ज़रूरी है. कई लोग सोच रहे हैं कि वैसे कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और रोज़ कभी मॉल घूमने जा रही है, कभी वहाँ जा रही है. नहीं, बस इट्स जस्ट लाइक कि जहाँ भी रहो प्रोडक्टिव रहो. बस अपने को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अगर आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने पड़े तो डालो. तो ये जो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सिर्फ यही है कि मैं खुद को प्रोडक्टिव बना सकूँ. तो आई थिंक मेरे साथ वाली क्या बीत है उसमें स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो वीडियो बंद करते हैं. मैं ये वीडियोस ना इसलिए भी बना रही हूँ कि मैं ना ये चेक करना चाह रही हूँ कि स्पीड चेंज करके देखना चाहती हूँ कि अगर मतलब हम कोई काम करते हैं तो इन द सेंस वीडियो की स्पीड तेज करके देखना चाह रही हूँ कि स्पीड तेज करने से कुछ वीडियो की क्वालिटी का इफेक्ट पड़ता है क्या. जैसे वो होते नहीं क्लैप्स कहते हैं, इलैप्स, सॉरी टाइम इलैप्स. इसमें टाइम इलैप्स का फीचर नहीं है ना, तो टाइम इलैप्स में ज़्यादा स्पीड तेज होती है और क्या होता है. तो इस वीडियो को स्पीड तेज करके फिर देखेंगे, इसलिए मैं जो अगला शॉट है वो ले रही हूँ कि काम का काम का काम का काम का.